बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के उपलक्ष्य में नुहू के जिला सचिवालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेवातवासियों को 59 करोड़ से अधिक की लागत से कई बड़ी सौगातें देने का ऐलान किया। कार्यक्रम में पहुंचे पलवल के विधायक दीपक मंगला ने 18 विकास कार्यों का शिलान्यास किया, जिनमें चिलावली में 35 करोड़ की लागत से पशु औषधालय, गांव तिगांव में 32 करोड़ की लागत से पशु औषधालय, 35 करोड़ की लागत से इंड्री में 35 करोड़ की लागत से तावड़ू के हसनपुर गांव में पशु औषधालय, 32 करोड़ की लागत से खेड़ा खलीलपुर गांव में पशु औषधालय, 32 करोड़ की लागत से केराका में पशु औषधालय का उद्घाटन किया। इनके अलावा कई अन्य विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया गया, जिनमें फिरोजपुर झिरका पुनहाना पिनंगवा तावड़ू क्षेत्र में टूटी सड़कों के सुधारीकरण का शिलान्यास किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की इस सरकार के दूसरे टर्म के एक वर्ष पूरा होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जहाँ पूरे प्रदेश भर में अनेकों परियोजनाओं का आज शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है, और आज हमारे नुहू जिले के अंदर भी लगभग 59 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का जिनमें शिलान्यास और उद्घाटन, ऐसी लगभग 18 हमारे उद्घाटन और शिलान्यास की आज यहां पर शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। और निश्चित तौर पर जो यह एक साल हमारा किस सरकार का गया है, यह नुहू जिले के लिए, हमारे मेवात जिले के लिए बहुत उपलब्धियों वाला यह वर्ष रहा है। और जैसा कि पिछले 5 साल में भी हमारे मेवात जिले के रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य हुए, आने वाले इस एक साल के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करके यह जता दिया है कि आने वाले समय में भी हमारे नुहू जिले के विकास कार्यों में कहीं कोई कमी नहीं रहने वाली। इस अवसर पर मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, यह एक वर्ष थोड़ा हमारा कोरोना की वजह से चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन उसके बावजूद भी विकास कार्यों में कहीं कोई कमी, कहीं कोई उसकी गति, उसकी रफ्तार नहीं रुकी। और इस बात को लेकर के भी मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि इस कोरोना के समय में हमारे मेवात जिले में हमारे डॉक्टर्स हैं, चाहे हमारी टीम है, चाहे हमारा प्रशासन है, वहाँ जो ठीक काम किया, मुझे पता है कि हमारे पड़ोस के भी जिले के लोग यहाँ मेवात में हमारे नल्लड़ कॉलेज में आकर के इलाज करवा करते थे, तो हमारे इस मेवात जिले ने इस क्षेत्र में भी अपना पूरा अपना योगदान। मंगला जी, 4 साल मेवात के किसानों ने आपकी सरकार की बड़ी दुआएं दी, बड़े खुश हूँ, लेकिन जो ये साल जा रहा है, इस साल पानी नहीं मिल रहा, बड़े काफ़ी किसान कोशिश कर रहे हैं और फसल बिजाई पर है, अगर कुछ दिन पानी नहीं आया तो फसल रह जाएगी, इसके लिए क्या होगा कि जल्दी जल्दी जो पिछले सरकार आपके पानी देती रही है ऐसा ही पानी मिले। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, हमारी चाहे प्रदेश की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, किसानों के लिए आज तक हमारी इन सरकारों ने जो काम करने का काम किया है, उनकी आय बढ़ाने का काम किया है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे मध्यप्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, चाहे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी है, किसानों के उत्थान के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, जो आपने पानी वाला सवाल जो आपने रखा है, चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे खेती के पानी की बात हो, क्योंकि मैं अभी आपके यहाँ हमारे विधायक भी साथ थे, जितना काम इस क्षेत्र के अंदर हमारी इस सरकार के अंदर हो रहा है, आने वाले पहले समय में कभी उतना काम नहीं हुआ। निश्चित तौर पर यहाँ पर हर खेत के अंदर पानी होगा, पीने के पानी की अच्छी और सुविधाएं होंगी, और अभी हर घर के अंदर पीने के पानी के लिए नल हो, उसकी भी पूरे इस जिले के अंदर पूरी इस समय चल रहा है, और आने वाले समय में ना यहाँ पीने के पानी की कमी रहेगी, ना खेत के लिए पानियों की कमी रहेगी। एक और जो यहाँ पर सेम की समस्या, क्योंकि कुछ क्षेत्र, मैं पलवल जिले से आता हूँ, मेवात के क्षेत्र में लगता है, और नुहू जिले का बहुत
लगता है, सेम की भी जो समस्या है उसके समाधान के लिए भी मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत है कि यहाँ पर सेम की समस्या का भी समाधान हो, चाहे उसमें हम मछली मत्स्य पालन के लिए उस समस्या के समाधान के लिए भी किसानों की माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से पूरा प्रयास चल रहा है।